सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं नई पोएट्री पोस्ट करूँ उसे सुनकर तुम्हारे दिल में भी प्यार की घंटी बजे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिस राइटर भावना पोहरे फ्रॉम अकोला। तो आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक। फेसबुक पर कभी अननोन फ्रेंड्स बनाए हैं? नहीं नहीं, हमने नहीं बनाए हैं यार, और ट्रूथ कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बट येस, ऑब्वियसली वेन एवर वी लॉग इन टू फेसबुक, ऑफकोर्स कोई ना कोई तो अननोन फ्रेंड बनता ही है। तो येस, ऑफकोर्स मैंने भी ऐसे फेसबुक फ्रेंड बनाए थे जो मेरे लिए अननोन थे, बट येस दे वेर माई बेस्ट फेसबुक फ्रेंड्स। तो मैंने लिखा है आज ऐसे ही मेरे फेसबुक फ्रेंड पर, सो लेट्स लिसन। फेसबुक पर एक अनजान दोस्त पाया, फेसबुक पर एक अनजान दोस्त पाया, उसको जब जाना मैंने तो उसने अपना ही फोटो कॉपी पाया। वो एक बेहतरीन म्यूजिशियन और मैं एक राइटर। दोस्ती ऐसे बन गई थी हमारी जैसे सुर और सरगम। लफ्ज़ों को वो मेरे अपना गीत देता था। धीरे धीरे मुझको काफ़ी सारी अच्छी नई बातें सिखाता था। शायद मैंने फेसबुक पर एक दोस्त पाया, उसको जब जाना मैंने तो उसमें अपना ही फोटो कॉपी पाया। खाना बनाना दूसरों को खिलाना और खुद भी खाना दोनों को पसंद था। उसमें चार चांद लगाने दोनों को भी बड़ा शायरी का शौक था। कुक्का और बादाम शेक के दोनों लवर थे पक्के। पिछले जन्म के मेले में बिछड़े हुए भाई बहन हो जैसे। अजीब लगता है ज़रूर सोचती हूँ तो कभी कभी सोशल वेबसाइट पर दोस्त मिल जाया करते हैं ऐसे, जिन्हें मिलकर लगे काफ़ी पुरानी यारी हो आपके जैसे। हाँ, फेसबुक पर मैंने एक दोस्त पाया, उसको जब जाना मैंने तो उसमें अपना ही फोटो कॉपी पाया।